हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अमिताज किचन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूं मेरे सभी व्यूअर्स हैप्पी और हेल्दी होंगे। स्वागत है आपका फिर से फेस्टिवल सीजन में, जहां पे फेस्टिवल से रिलेटेड रेसिपीज को शेयर कर रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ छोलों की रेसिपी। वो छोले जो शादियों में बनते हैं ना, बिल्कुल वही वाले छोले, एकदम चटपटे यमी से छोले। तो इस फेस्टिवल इन छोलों को जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने ये एक कप छोले लिए थे, रात भर भिगो के रखा, और देख सकते हैं आप क्वांटिटी डबल हो गई इसकी। तो दो कप छोले हो गए हैं करीब हमारे। तो चलिए इन्हें बॉईल करने के लिए रखते हैं। तो यहाँ गैस पे मैंने कुकर चढ़ा दिया है, पानी हटा दिया है, और फ्रेश पानी हम इसमें डालेंगे। पानी कितना डालेंगे? इतना कि हमारे जो छोले हैं वो अच्छे से डूब जाएं। यहाँ पे कुछ खड़े मसालों में मैंने लिया तेज पत्ता, बड़ी इलायची, कुछ लौंग है, और दो टुकड़े हमने दालचीनी के लिए। साथ में डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, या फिर 1 टीस्पून अभी ऐड किया है मैंने इसमें। 1/2 टीस्पून यहाँ पे है ये बेकिंग सोडा। जी हाँ, बेकिंग सोडा डालना बहुत जरूरी है, इससे हमारे जो छोले हैं ना बहुत ही अच्छे से अंदर तक गल जाते हैं। तो बस 4 से 5 सीटी लगा लेंगे इसमें। ये है ग्रेवी के लिए मैंने कुछ लिए, रफली कटी हुई प्याज है, लहसुन है, अदरक है, और टमाटर। साथ में हम सूखा मसाला बनाने वाले हैं जो छोलों में डलेगा, जो इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर देने वाला है। तो 2 चम्मच हमने लिया है इसमें धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 3 चम्मच हमने लेना है छोले मसाला, और साथ में हमने लेंगे 1 चम्मच इसमें देगी मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा काला नमक जो कि 1/2 टीस्पून के करीब है, और ये है अनारदाना पाउडर। जी हाँ, अनारदाना पाउडर वैसे होता है छोले मसाले में, लेकिन यहाँ पे अलग से मैंने इसमें ऐड किया है। और इसमें डाली है कसूरी मेथी 1 टीस्पून। इन सभी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना, और ये हमारे छोलों का मसाला बनके तैयार हो गया है। अच्छा, ग्रेवी के लिए जो हमने ये सारे सामान लिया है, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, इनका हम एक फाइन सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, हमारा ये फाइन पेस्ट बनके तैयार है प्याज और टमाटर का। तो यहाँ पे हम छोलों को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इनका प्रेशर अच्छे से निकल गया है, ये देखिए। और अब हम खोल के देख लेते हैं कि छोले कैसे हैं हमारे। और आप जैसा देख सकते हैं, छोले बहुत ही बढ़िया से गल गए हैं। मैं आपको चेक कराती हूँ, ये देखिए, तो बहुत ही अच्छे से गल गए हैं छोले। चलिए अब इनमें तड़के की तैयारी करते हैं। तो वापस से मैंने वही कुकर ले लिया है, और अब हमने इसमें डाल देना है 1 टेबल स्पून देसी घी डालना है, और 1 टेबल स्पून ही हमने इसमें ऑयल डालना है। आप चाहे तो पूरा ऑयल ले सकते हैं, मुझे देसी घी का फ्लेवर अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने वो इसमें ऐड कर दिया आधा। घी के गर्म होते ही हमने इसमें जीरा डाल दिया, और जीरे के तड़कते ही हम इसमें वो प्याज और टमाटर वाला जो पेस्ट हमने तैयार किया था वो हमने डाल देना है, और इसे अच्छे से हमने पका लेना है तब तक जब तक कि ये घी अलग नहीं कर देता है। तो जैसा आप देख सकते हैं, घी अलग हो गया है इसमें। तो अब हम इसमें सूखे मसालों को ऐड करेंगे। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई कर लेंगे, मतलब भून लेंगे मसालों को अच्छे से। और जैसा आप देख सकते हैं, इनमें मॉइस्चर बिल्कुल खत्म हो गया है, तो ये अच्छे से भून सके इसके लिए यहाँ पे मैं इसमें 1/2 कटोरी के करीब पानी ऐड कर दूंगी, और इसे हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक कि इसका तेल अलग नहीं हो जाता है। तो ये देखिए, पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड करेंगे। जी हाँ, थोड़ा ही नमक डालेंगे, क्योंकि हमने छोलों में भी नमक डाला है। तो करीब 1/2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें नमक डाला है, जिससे कि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से भून सकें। तो इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये छोले बहुत ही जल्दी बनके तैयार होते हैं गाइज, और इतने डिलीशियस लगते हैं ना कि आपको लगेगा बिल्कुल आप शादियों में जाकर जैसे खाते हैं ना छोले, बिल्कुल शादियों वाले छोले लगने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप, जो घी है वो अलग हो गया है मसाले से यहाँ पे, और इसे हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए, तो मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे छोलों को। तो छोलों को अच्छे से मसालों में मिक्स कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। और अब हमें इसे ज्यादा नहीं पकाना है, बस ढक के हमें इसे 5 मिनट पकाएंगे, और आप 5 मिनट में देखेंगे हमारे जो छोले हैं वो बनके तैयार हो जाएंगे। क्योंकि छोले तो ऑलरेडी हमारे देखिए कितने अच्छे से गल चुके हैं, बहुत ही बढ़िया से टेक्सचर आया है छोलों का। तो 5 मिनट बाद जैसा आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया से खुशबू, मतलब खुशबू तो आप जब खुद बनाएंगे तब आप लीजिएगा, बहुत ही डिलीशियस आती है। तो ये देखिए, बनके तैयार हैं हमारे छोले, बहुत ही बढ़िया टेक्सचर है, देख सकते हैं आप। तो चलिए इसे रखते हैं साइड में और बनाते हैं इसका एक तड़का। तो तड़का पैन में हमने डाल दिया है 1 टेबल स्पून देसी घी, और देसी घी के गर्म होते ही हमने इसमें डाल दिए अदरक के लच्छे।
साथ में हमने डाल दी है मिर्ची बारीक कटी कटी, और उसके साथ में हम डाल देंगे हींग, और इन्हें हमें अच्छे से भून लेना है। तो जैसे ही अदरक और मिर्च हमारी अच्छे से भून जाएगी, हमने गैस का फ्लेम कर देना है ऑफ, और उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून देगी मिर्च को ऐड करेंगे, जिससे हमारे जो छोले हैं उनके बहुत ही प्यारा सा कलर मिलने वाला है। तो जैसा आप देख सकते हैं, तड़का डालते ही छोलों का टेक्सचर और उसका कलर ही चेंज हो गया गाइस, इतने डिलीशियस लग रहे हैं। देखिए मुंह में पानी आ रहा है ना आपके। तो इस फेस्टिवल आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। मैंने कोशिश की है कि फेस्टिवल में आपको एक पूरा मेन्यू दूं, खाने से लेकर मिठाई तक सारी चीजें आप घर में बनाएं, और वो भी बहुत कम टाइम में। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की रेसिपी? उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।